नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संत कर्मा बायोलॉजी क्लासेस में। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सीरीज चलाई है अपन ने, और उसमें जो फर्स्ट यूनिट है टैक्सोनॉमी बायोलॉजी विषय की, उसको अपन ने शुरू किया था। 20-22 वीडियो अपने पहुंच चुके हैं इसमें, उनको आपने नहीं देखा तो एक बार देख लीजिए। एक वीडियो अपन ने सिलेबस को, किस टॉपिक को कहां से पढ़ना है, ऐसा कुछ बनाया था अपने जस्ट इससे पहले वाला। उससे पहले जो छोटा था उसी को कंटिन्यू आगे करते हैं। किंगडम क्लासिफिकेशन जो फर्स्ट यूनिट है टैक्सोनॉमी, उसमें अपन पढ़ रहे थे, और उसके अंदर अपन ने जो है किंगडम के अंदर आप देखा जाए तो देखो, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, प्लांटी है और एनिमेलिया। मोनेरा को कंप्लीट किया था, प्रोटिस्टा को कंप्लीट किया था, फंजाई को किया था, प्लांटी के अंदर एल्गी पढ़ चुके थे, ब्रायोफाइटा पढ़ चुके थे, टेरिडोफाइटा पढ़ चुके थे, और चौथे नंबर पे आता है जिम्नोस्पर्म। आज अपन जिम्नोस्पर्म के बारे में बात करेंगे, और जिम्नोस्पर्म के बाद में आएगा एंजियोस्पर्म, और उसके बाद में जो किंगडम आएगा वो आ जाएगा आपके एनिमेलिया। ठीक है, इसी क्रम में अपन इसको पढ़ते चलेंगे। एक बात आप देख लीजिए कि जिम्नोस्पर्म से पहले का मैटर आपके पास थोड़ा सा क्लियर हो, ये वीडियो देखने से पहले जिम्नोस्पर्म का जो पहले का मैटर है वो थोड़ा क्लियर हो आपके पास। आपने पहले वीडियो देख रखे हैं, कुछ नोट्स बना रखे हैं, तो वहां से उसको रिवाइज कर लीजिए, वरना क्या कीजिए कि बुक से जैसे भी आपको सहूलियत लगे एक बार उसको पढ़ लेंगे तो जिम्नोस्पर्म वाला मैटर आपको इजी वे में क्लियर हो जाएगा। अभी अपन इसके पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं। देखो, पहला इसका जो नाम है वो है जिम्नोस्पर्म। दो शब्दों से मिलकर बना है, एक होता है जिम्नो और दूसरा होता है स्पर्म। स्पर्म का मीनिंग है यहां पर सीड, और जिम्नो का मतलब है यहां पर नेक्ड। ऐसा कोई भी प्लांट, ऐसे प्लांट जिनमें बीज होता है वो नेक्ड होता है, नग्न होता है, बीज के ऊपर कोई भी खोल नहीं होता, बीज नग्न होता है, उसको बोलते हैं नेक्ड सीड वाले प्लांट, या जिम्नोस्पर्म बोल सकते हैं। एक आप नॉर्मल इसको ऐसा समझे, नॉर्मल मान लो कोई भी फ्रूट है, जैसे ये एक सीड है और सीड के ऊपर ये फ्रूट है, ये तो हो गया सीड, और सीड के ऊपर जो आवरण होता है उसको क्या बोलते हैं, ओवरी, और दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, फ्रूट। फ्रूट का मीनिंग क्या होता है, फ्रूट का मीनिंग होता है ओवरी प्लस सीड। तो अगर इस फ्रूट में ये ओवरी हटा दिया जाए और केवल सीड छोड़ा जाए तो उसको बोल देंगे नेक्ड, नग्न, और ये सीड के कहां होते हैं, जिम्नोस्पर्म में होते हैं। मतलब जिम्नोस्पर्म प्लांट के सीड के ऊपर ओवरी का आवरण नहीं होता, और सीड भी क्या था, सीड किसी जमाने में क्या था, किसी जमाने में सीड क्या था, ओव्यूल था। इसका मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कोई ओव्यूल जो ओवरी वाल नहीं रखता हो, या ऐसा कोई सीड जो ओवरी नहीं रखता हो, ऐसा कोई सीड जो ओवरी नहीं रखता हो, मतलब सीड के ऊपर अगर ओवरी नहीं हो और ओव्यूल के ऊपर अगर ओवरी वॉल नहीं हो, तो उसको, ऐसे प्लांट्स को अपन क्या बोल सकते हैं, जिम्नोस्पर्म प्लांट बोल सकते हैं। एक तो छोटी सी बात ही होगी। आगे देखो, तो पहला मैटर तो यहां पर सीड नेक्ड होने का मतलब ये नहीं कि इसके ऊपर इंटेग्यूमेंट का आवरण नहीं है, सीड नेक्ड होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर क्या नहीं है, इसके ऊपर ओवरी नहीं है। ठीक है, आगे देखें, जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट है उन प्लांट में मैक्सिमम सर्व्स, उसके बाद में जो आपके एवरग्रीन ट्रीज, या कोई जैसे किसी दूसरे पेड़ पर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स, ये मिलेंगे। यहां पर हर्ब्स नहीं होती है, हर्ब्स नहीं होती हैं, तो बड़े पेड़ होंगे, ये इसकी खास बात है। जो जिम्नोस्पर्म है उन जिम्नोस्पर्म की जो उत्पत्ति है वो पैलियोजोइक ईरा के अंदर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट बात आ गई। बहुत पुराने प्लांट है ये, पैलियोजोइक ईरा से ही इसकी उत्पत्ति को माना जाता है, वहीं से ये डेवलप होना शुरू हो गए थे। ठीक है, तो पैलियोजोइक ईरा हो गई। आगे देखें, जिम्नोस्पर्म प्लांट अपन ने सबसे पहले एल्गी देखा था,
गायफाइटा टेरिडोफाइटा धीरे धीरे डेवलपमेंट बढ़ता है, तो यहां पर आते आते जो प्लांट है उसके अंदर रूट, उन प्लांट्स के अंदर स्टेम और यहां पर लीव्स हैं, वो वेल डेवलप हो चुकी हैं। रूट डेवलप होती है, स्टेम डेवलप होता है और लीव्स डेवलप होती हैं, कंप्लीटली डेवलप होती हैं। अब देखें रूट ज्यादातर कौन सी होती हैं, टेप रूट होती हैं। और टेप रूट में भी आप दो उदाहरण देखोगे, जैसे साइकस और पाइनस। ये बढ़िया क्वेश्चन बनता है यहां पर, साइकस की रूट में साइनोबैक्टीरिया भी मिलेगा। साइनोबैक्टीरिया जो अपन ने पढ़ा था कहां पर, मोनेरा के अंदर, और साइनोबैक्टीरिया में कौन से आते थे, नो स्टोक रहने बिना, है ना। ये साइनोबैक्टीरिया एल्गी के टाइप में एक तरीके से देखा जाए तो, पर एल्गी में शामिल नहीं करते उसको, कहां करते हैं, मोनेरा में करते हैं। ठीक, कैसे क्यों करते हैं वो अपन पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो साइनोबैक्टीरिया कहां पाए जाएंगे, इस साइकस की रूट के अंदर पाए जाएंगे, और ये दोनों सिम्बायोसिस रिलेशन शो करते हैं, एक दूसरे को फायदा करते हैं। बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को साइकस से फायदा है और साइकस को साइनोबैक्टीरिया से फायदा है। इसी प्रकार से जो पाइनस प्लांट है, उस पाइनस प्लांट की रूट में माइको राइजा नामक क्या मिलेगी, फंजाई मिलेगी। और यहां पर भी कैसा रिलेशन है, यहां पर भी ये रिलेशन है, कैसा, सिम्बायोसिस, पाइनस को इस माइकोराइजी से फायदा और माइकोराइजी को पाइनस से फायदा। ठीक है, दोनों को यहां पर एक दूसरे से बेनिफिट है। जब दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है तो रिलेशन बोलते हैं प्लस प्लस का, और प्लस प्लस का मतलब कि यहां पर एक बी को फायदा कर रहा है, बी ए को फायदा कर रहा है, इस प्रकार का रिलेशन सिम्बायोसिस होता है, सहजीवन, साथ साथ जीवन यापन करना। ठीक है, ये बात किसकी हो गई, रूट की बात होती है। आगे देखें, स्टेम भी यहां पर वेल डेवलप है। जो लीव्स होती हैं, जो पत्तियां होती हैं, उनके गिरने के कारण, जो बड़ी पत्तियां होती हैं इनमें, उनके गिरने के कारण जो स्टेम है, स्टेम पर कुछ चिन्ह बन जाते हैं, कुछ चिन्ह बन जाते हैं जिनको बोलते हैं लीफ स्कार्स, पर्ण चिन्ह, मतलब लीफ स्कार्स की प्रेजेंस किस पर, स्टेम पर। जिम्नोस्पर्म का एक मुख्य करैक्टर है, जिम्नोस्पर्म प्लांट के स्टेम पर लीफ स्कार्स पाए जाएंगे, मतलब पर्ण चिन्ह पाए जाएंगे, ये इसका एक मुख्य लक्षण है, ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं लीव्स की, पत्तियां भी यहां पर वेल डेवलप होती हैं, मुख्यतः दो प्रकार की, एक जो सामान्य पत्ती है, लीव्स है, है ना, और एक है सल्की, सल्की लीव्स है। जो सामान्य पत्तियां हैं वो यहां पर क्या होंगी, सामान्य पत्तियां ग्रीन कलर की होंगी, और जो सल्की लीव्स हैं वो कैसी होंगी, सल्की लीव्स होंगी वो आपके ब्राउन कलर की, भूरा कलर होगा उनका। यहां पर दो प्रकार की होगी, ये दोनों अंतर है इसके अंदर। अब देखें लीव्स के फिर दो भाग बता सकते हैं, दो प्रकार बता सकते हैं। कुछ पत्तियां ऐसी होती हैं यहां पर ब्रांच्ड, और कुछ होती हैं अनब्रांच्ड, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अब जो ब्रांच्ड पत्तियां हैं वो कहां मिलेंगी, पाइनस में, और अनब्रांच्ड हैं वो साइकस में। ये किसकी बात होगी, ये होगी लीव्स के बारे में बात होगी। तो इतनी मोटी बातें याद रखना, जिम्नोस्पर्म, नेक्ड सीड, सब एवरग्रीन ट्री, क्लाइंबर्स एटसेट्रा हो सकते हैं, हर्ब्स यहां पर नहीं मिलेंगे। पैलियोज़ोइक इरा में इसकी उत्पत्ति हुई थी। रूट, स्टेम और लीव्स वेल डेवलप होते हैं। रूट के अंदर मुख्यतः टेप रूट होती है, साइकस साइनोबैक्टीरिया के साथ में, और पाइनस माइकोराइजी के साथ में क्या करता है, सिम्बायोटिक रिलेशन शो करता है, और जो की स्टेम होती हैं उसके ऊपर लीफ स्कार्स पाई जाती हैं, पर्ण चिन्ह पाए जाते हैं। देखो तो जिम्नोस्पर्म में सीड नेट होने के कारण इनको एक और नाम दे सकते हैं अपन, जो यहां पर कॉमन इसका नाम मिलता है वो यहां पर ऐसा बोल सकते हैं कि फल रहित, है ना, पुष्पी पादप,
पुष्प तो होगा लेकिन आगे क्या नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। और फल का मतलब क्या होता है, मुख्यतः ओवरी, ओवरी यहां पर नहीं होगा। ठीक है, एक और नाम दे सकते हैं, एक नाम हो सकता और दे सकते हैं, फल रहित बीजीय पादप, मतलब बीज तो होगा लेकिन क्या नहीं होगा, फल नहीं होगा। पुष्प तो होगा लेकिन क्या नहीं बनेगा, फल नहीं बनेगा। ये दो कॉमन नाम इसके और आगे आप याद रख सकते हैं। आगे देखिए हम मैक्सिमम जो प्लांट है इनके वो क्या होते हैं, जीरोफाइटिक, मरुद्भिद होते हैं। और जीरोफाइटिक होने के कारण से इसमें जीरोफाइटिक एडेप्टेशन भी पाया जाता है। जीरोफाइटिक एडेप्टेशन क्या मिलेगा कि इसकी बॉडी के जो बाहर है वो किसका मिलेगा, क्यूटिकल का आवरण, और जो स्टोमेटा होंगे वो सुनकेन स्टोमेटा बोलते हैं, धसे हुए। तो सुनकेन स्टोमेटा का पाया जाना और क्यूटिकल का आवरण पाया जाना ये शो करता है, ये शो करता है कि ये जो जीरोफाइटिक कंडीशन है उसके प्रति अडप्ट है, जीरोफाइटिक कंडीशन के प्रति अनुकूलित होते हैं। आगे देखें जिम्नोस्पर्म में वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर सिस्टम याद रख लो, वैस्कुलर सिस्टम पाया जाता है, डेवलप होता है, वेल डेवलप होता है यहां पर, मतलब जाइलम पाया जाएगा और क्या पाया जाएगा, फ्लोएम पाया जाएगा। लेकिन एक अपवाद है कि जाइलम के अंदर क्या नहीं मिलती, वेसल्स एब्सेंट होती हैं, जबकि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। हालांकि इनके कुछ अपवाद हैं, वेसल्स जैसे निटेल्स जो ऑर्डर है उसमें मिलती हैं, एफिड्रा है, आपके नीटम है, वेलवेसिया है, उसके अंदर मिलती हैं वेसल्स, लेकिन मुख्यतया जो वेसल्स एब्सेंट होती हैं और फ्लोएम के अंदर कैंपेनियन सेल्स एब्सेंट होती हैं। आगे देखें वेस्कुलर बंडल है तो भी यहां पर क्या मिलेगा, सेकेंडरी ग्रोथ शो करते हैं सारे के सारे प्लांट, द्वितीयक वृद्धि शो करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। और सेकेंडरी ग्रोथ पाए जाने का मतलब क्या हुआ कि यहां पर एनुअल रिंग भी बनती है, वार्षिक वले भी प्लांट के अंदर बनती है, ये भी इसका मेन बात हो गई। आगे देखें इसके अंदर, इन प्लांट के अंदर बढ़िया क्वेश्चन है ये, इन प्लांट के अंदर डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो क्या होती है, डोमिनेंट होती है। याद करो जब अपन एल्गी पढ़ा था तो गेमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट थी, जब ब्रायोफाइटा पढ़ा था तो गेमेटोफाइटिक स्टेज थी और स्पोरोफाइटिक गेमेटोफाइट पर डिपेंड थी। तीसरा अपन ने पढ़ा टेटोफाइटा तो स्पोरोफाइटिक स्टेज आ गई, लेकिन यहां पर जो स्पोरोफाइटिक स्टेज है वो यहां पर क्या होगी, डोमिनेंट होगी। और जो गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो यहां पर स्पोरोफाइटिक पर डिपेंड होती है, मतलब गेमेटोफाइटिक स्टेज है वो किस पर डिपेंड है, वो स्पोरोफाइटिक पर डिपेंड होती है। क्योंकि आप ऐसा समझ लो इसको, स्पोरोफाइटिक का मतलब क्या होता है कि डिप्लोइड स्टेज, गेमेटोफाइटिक का मतलब क्या होता है, हैप्लोइड स्टेज। तो बड़े प्लांट होंगे तो जीवन के मैक्सिमम समय में, लाइफ के मैक्सिमम समय में डिप्लोइड ही रहेंगे, डिप्लोइड बॉडी रहेगी, इसलिए यहां पर स्पोरोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट हो गई। कुछ समय के लिए जब रिप्रोडक्शन स्टेज आती है तो कुछ समय के लिए, अल्पकालिक समय के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए कौन सी स्टेज आती है, गेमेटोफाइटिक स्टेज आती है। तो इसका मतलब गेमेटोफाइटिक स्टेज कंप्लीटली किस पर डिपेंड होती है, इस स्पोरोफाइटिक स्टेज के ऊपर क्या होती है, डिपेंड होती है। अब देखिए यहां पर ये बड़ा क्वेश्चन बनता है यहां पर, अब ये स्पोरोफाइटिक स्टेज है इसका मतलब क्या होगा, यहां पर इसका मतलब होगा स्पोर बनेंगे, और अपन पहले देखते आए हैं होमोस्पोरिक कंडीशन है, टेरिडोफाइटा तक आते आते हेटरोस्पोरिक आ गई थी, इसका मतलब ये स्पोर होंगे यहां पर कैसे होंगे, ये बढ़िया प्रश्न है। स्पोर होंगे वो हेटरोस्पोर होते हैं, विषम बीजाणुता पाई जाती है, दोनों स्पोर, मतलब दो स्पोर कौन से,
एक माइक्रो जो मेल होंगे माइक्रोस्पोर और दूसरा कौन सा मेगास्पोर जो फीमेल होंगे। तो माइक्रो और मेगास्पोर दोनों कैसे हैं, हेट्रोस्पोर हैं, समान आकार के, समान साइज के, समान क्रियाशीलता के नहीं होते हैं, इसलिए इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोर कंडीशन बोलते हैं। आगे देखें, अब इनका डेवलपमेंट कैसे होता है वो थोड़ा रिप्रोडक्शन वाले पार्ट से अपन देखते हैं, समझते हैं। देखो कैसे क्या होगा, सबसे पहले जो प्लांट होगा उस प्लांट के ऊपर, एक प्लांट के ऊपर नर व मादा दोनों भी हो सकते हैं और एक कोन के ऊपर मेल कोन और फीमेल कोन दोनों भी हो सकते हैं। देखिए जिस भी ब्रांच के ऊपर, जैसे मान लो ये ब्रांच है और इस ब्रांच के ऊपर ये वाला पोर्शन है, ये इतना डेवलप हो रहा है किसके लिए, माइक्रोस्पोरोफिल के लिए। ठीक है, लघु बीजाणु पर्ण। ठीक है, इस माइक्रोस्पोरोफिल से क्या डेवलपमेंट होगा, इससे होगा माइक्रोस्पोरेंजिया, लघु बीजाणु दानी। माइक्रोस्पोरेंजिया से डेवलपमेंट के दौरान क्या बनेंगे, माइक्रोस्पोर। इन माइक्रोस्पोर को ही क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट या आगे चलकर मेल कोन, नर शंकु, जो कि कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल, चल नहीं सकते, अपवाद है। हालांकि अपवाद कौन सा है, अपवाद है साइकेड्स एंड गिंगो, इन दो अपवाद को छोड़कर कैसे होते हैं ये होते हैं नॉन मोटाइल। मतलब माइक्रोस्पोरोफिल से माइक्रोस्पोरेंजिया, डेवलपमेंट के दौरान माइक्रोस्पोर, माइक्रोस्पोर से मेल गैमेटोफाइट, मेल कोन, जो कि नॉन मोटाइल होते हैं। ये तो नर वाला पार्ट हो गया, किसका हो गया, नर वाला पार्ट। इसी प्रकार से जब आगे डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, फीमेल वाला पार्ट डेवलप होगा और फीमेल वाले पार्ट से क्या कंडीशन निकल के आएगी, जैसे मैक्रो स्पोरोफिल या मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोर, फीमेल गैमेटोफाइट, या ऐसा बोल सकते हैं इसको फीमेल कोन। अपवाद क्या है, साइकस के अंदर फीमेल कोन नहीं बनता, जिम्नोस्पर्म में जो साइकस है उसके अंदर फीमेल कोन नहीं बनता, ये यहां पर क्या हो गया, फीमेल कोन वाली कंडीशन। इसको अपन ऐसा भी बोल सकते हैं आर्किगोनिया। देखो एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया अपन पहले तक पढ़ते आए हैं, एंथ्रीडिया मतलब नर वाले भाग को बोलते थे और आर्किगोनिया मतलब फीमेल वाले पार्ट को बोलते, तो यहां पर आर्किगोनिया तो बनता है लेकिन एंथ्रीडिया नहीं बनता। तो एंथ्रीडिया का नहीं बनना भी क्या है, जिम्नोस्पर्म का एक करेक्टर है, एंथ्रीडिया का नहीं बनना भी जिम्नोस्पर्म का एक करेक्टर है। ठीक है, तो यहां पर क्या बन गया, ये फीमेल कौन बन गया, यहां पर क्या बन गया, ये मेल कौन बन गया, दोनों बन गए, दोनों एक ही आपके जो पार्ट है वहां पर हो सकते हैं, जैसे एक ही ब्रांच है उस पर हो सकते हैं यहां पर, या फिर दोनों के दोनों अलग अलग ब्रांच के ऊपर हो सकते हैं, एक ही पेड़ पे हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी कंडीशन के अंदर एक लिंगाश्रय मतलब एक पादप ऐसा जो एक ही लिंग को धारण कर रखा है उसने, उस वाली कंडीशन भी हो सकती है और द्विलिंगाश्रय वाली कंडीशन भी हो सकती है, दोनों कंडीशन के अंदर ये प्रकार से मेल और फीमेल कौन बन गए। ठीक है, अब देखें आगे, जो जिम्नोस्पर्म है उसमें मैक्सिमम जो कंडीशन मिलेगी वो मिलेगी एक लिंगाश्रय पादप। ठीक है, एक लिंगाश्रय पादप उस कंडीशन के अंदर देखो, जैसे मेल कोन बन गया, फीमेल कोन बन गया, अब किसकी प्रक्रिया आएगी, अब आएगी पोलिनेशन की प्रक्रिया। पोलिनेशन की प्रक्रिया में आपको याद रखना है कि मैक्सिमम पोल्यूशन वायु द्वारा होता है, एयर पोल्यूशन इसके अंदर पोलिनेशन होता है, एयर पोलिनेशन की प्रक्रिया मेन होती है, वायु के द्वारा परागण की प्रक्रिया होगी,
जैसे ही वायु के द्वारा मेल कोण फीमेल वाले पोर्शन के पास में आएंगे, उसके बाद में किस प्रक्रिया को अंजाम देंगे, एक आपके ट्यूब बनेगी, फर्टिलाइजेशन ट्यूब का निर्माण होगा, और उस ट्यूब के द्वारा आपके जो मेल कोण है वो कहां पर आ जाएगा, फीमेल कोण के पास में आ जाएगा, ठीक है। और ये जो ट्यूब बनेगी उसको ऐसा कह सकते हैं अपन कि जो नाल युग्मनी प्रकार का, नाल युग्मनी या आपके बोल सकते हैं जो नाल युग्मनी कंडीशन, या फिर इसको बोल सकते हैं साइफोनोगेमस टाइप का, इसके अंदर क्या पाया जाता है, टाइप का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। साइफोनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन आपके जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों का ही मेन कैरेक्टर है, याद रखना आपको, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म दोनों के अंदर ही साइफोनोगेमस टाइप का क्या पाया जाएगा, क्या पाया जाएगा, फर्टिलाइजेशन पाया जाएगा, ठीक है। इस फर्टिलाइजेशन से पहले ही, यहां पर किसका निर्माण हो जाता है, एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लोइड होता है। कई बार पूछा गया, फर्स्ट ग्रेड में भी दो बार आ गया प्रश्न कि जिम्नोस्पर्म का जो आपके एंडोस्पर्म होता है वो कैसा होता है, हैप्लोइड प्रकार का। हैप्लोइड प्रकार का क्यों होता है ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले ही एंडोस्पर्म का निर्माण हो जाता है। इसी कारण से एक दो परिस्थिति होती है, एक तो ट्रिपल फ्यूजन है, एक है डबल फर्टिलाइजेशन, ये दोनों के दोनों कंडीशन आपके जिम्नोस्पर्म में नहीं पाई जाती है, केवल और केवल किसका कैरेक्टर है, एंजियोस्पर्म का कैरेक्टर है। इसीलिए हैप्लोइड कंडीशन होगी किसकी, एंडोस्पर्म की, ठीक है। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन हो गया, नाल युग्मनी प्रकार का फर्टिलाइजेशन हो गया, और फर्टिलाइजेशन से किसका फॉर्मेशन हो गया, सीड का फॉर्मेशन हो गया, सीड बन गया। अब देखें यहां पर, ये जो सीड बना, अगर सीड से एक ही एम्ब्रियो बने तो इसको बोल सकते हैं मोनो एम्ब्रियोनिक कंडीशन, लेकिन अगर एक सीड से आगे चलकर बहुत सारे एम्ब्रियो बने, इस वाली कंडीशन को बोल सकते हैं पॉली एम्ब्रियोनी, बहुभ्रूणता। और पॉली एम्ब्रियोनी जिम्नोस्पर्म का मेन कैरेक्टर है, जिम्नोस्पर्म के अंदर अधिकतर में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है, बहुभ्रूणता पाई जाती है। अब देखो, मोटा मोटी जिम्नोस्पर्म के बारे में जो मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है, एक तो इसका जिम्नोस्पर्म ही नाम क्यों है, डेवलपमेंट के अंदर रूट स्टेम और क्या लीव्स है, जो स्टेम होता है उसके ऊपर क्या पाई जाती हैं, लीफ स्कार्स पाई जाती हैं, एक बात याद रखनी है। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, कि इसमें स्पोरोफाइटिक बॉडी होती है। तीसरी बात क्या याद रखनी है कि इसके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं, हेट्रोस्पोर होते हैं। उसके बाद क्या याद रखना है, इसके अंदर जो परागण है वो कैसा होता है, वायु के द्वारा होता है। उसके बाद क्या याद रखना है, फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या बनता है, साइफोनोगेमस नाल युग्मी प्रकार का फर्टिलाइजेशन पाया जाता है, ठीक है। ये कुछ मोटी मोटी बातें आपको जिम्नोस्पर्म के अंदर याद रखनी है। एंडोस्पर्म इसका क्या होता है, हैप्लोइड होता है। पैलियोजिक इरा के अंदर इसकी क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ये मोटी मोटी बातें आपको याद रखनी है जिम्नोस्पर्म की। जिम्नोस्पर्म का छोटा सा क्लासिफिकेशन और जिम्नोस्पर्म के इकोनॉमिक इंपोर्टेंस अपन जस्ट अगले वीडियो के अंदर करेंगे, तब तक के लिए आप इसको कर लीजिए। पीछे के वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए, उनको रिवाइज कर लीजिए, और चैनल को भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए जिससे लोगों के पास मैसेज चला जाए और अपने थोड़े से सब्सक्रिप्शन बढ़ जाए जिससे अपन फिर लाइव पढ़ा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।